हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, छासे छत्री ये ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालुब्य वर्ण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। बिवाभरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। देखिए बिवाभरी जो है गाइस, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? कर्मदार, दिगु, बहुप्रिय, द्वंद। पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास। क्यों होगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा जो पंकज कीचड़ से उत्पन्न हो, यानी जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यह अपने पदों से भिन्न भिन्न किसी की विशेषता, संज्ञा या विशेषण, इसे बहुप्रिय समास कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का शब्द जो होगा वो आपका हो जाएगा उपसर्ग, और लास्ट वाला शब्द जो है वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ऐसा होगा ना, अति धन आचार, यानी कि अति अति जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा और आचार आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप है? भाववाच, कर्मवाच, कर्तवाच, उभयवाच। राम आम खाता है, तो राम आम को खाता है ना, ना कि आम राम को खाता है, तो यहां हो जाएगा कर्तवाच। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो देखिए वकील जो है गाइस, ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख फटी होना, आंख फटी होना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। अगर ऑप्शन में भौचक्का होकर देखते रह जाना ये दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेखक शब्द में, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अक का अक आख। लेखक यानी कि लास्ट वाला शब्द, ले धन अक, ये होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता यानी कि निराकार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? दीपोत्सव, देखिए दीपोत्सव में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइएगा, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे ना, नमस्कार तोड़ने पर हो जाएगा नम नम धन कार, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, और नमस्कार जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन गाइस कि वह आता है, वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? वह आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वह आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भिक्षुक आता है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव प्रसाद सिंह अज्ञे। अतीत के चलचित्र, तो देखिए अतीत के चलचित्र ये महादेवी की रचना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखिएगा, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान, कर्म, करण, कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करण से। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं, ये गाइस क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक, विषमादिबोधक, क्रिया विशेषण शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। यहां हो जाएगा उपमा अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? चूज कीजिए आंसर, सबसे पहले आप लोग आंसर तो मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए जो आपका सुशक्ति जो है, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अवर शब्द का विलोम क्या होगा? दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अवर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रवर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या वह पढ़ रहा है वाक में प्रयुक्त चिन्ह होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वह पढ़ रहा है ये वाला चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को, खुमार रासों को, पृथ्वीराज रासों को, चंद्रवरदाई को। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है विद्यापति को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तुम तो अपना काम करो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ओके, लघु रूप में कौन सी संधि होगी भाई? देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे तो लघु, धन, उर्मी, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ऊ, और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ये हो जाएगा बड़ा ऊ, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, ऑप्शन वी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। ऋण शब्द हो जाएगा पीला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छोटा आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? अवतनिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंचन का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। कंचन का पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, कंचन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वर्ण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? निमीलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निमीलन। बुक में कुछ क्वेश्चन गलत भी दिए गए हैं, मैंने सुधार किया है उन पर। जो पहले कभी नहीं हुआ हो ये क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पान दान शब्द है योग ऋण योगिक तद्भव शंकर। तो देखिए पान दान शब्द जो है आपका ये हो जाएगा तद्भव शब्द, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। अगर ऑप्शन में गुण के विरुद्ध नाम का होना ये दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्साह, उत्साह जो है ये किस रस का स्थायी भाव होगा? करुण वीर हास श्रृंगार। तो देखिए करुण रस सॉरी उत्साह जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सूर सागर, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी बुंदेली ब्रज छत्तीसगढ़ी। तो देखिए सूर सागर जो है गाइस ये ब्रज भाषा की रचना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर शब्द का उदाहरण है, दिगंबर दिक धन अंबर व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा भाई, दिक धन अंबर तोड़ने पर ही पता चल जाता है कि ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है ये आपको चूज करना है? मोहन पढ़ता है, ये आपका सर्वनाम रहित वाक्य हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके मृगावती किसकी रचना है? उस्मान मंजन कुतुबुन जायसी। मृगावती किसकी रचना है गाइस? तो मृगावती जो है ये कुतुबुन की रचना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ऑप्शन वी। 87 क्वेश्चन देखेगा, वह प्रातः उठकर स्नान करता है वाक्य में क्रिया विशेषण है, यानी कि उठकर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तार सप्तक प्रिय प्रवास कामायनी ग्राम्या, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी प्रिय प्रवास। ओके गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुर्लभ वस्तु असंभव कार्य पेड़ की प्रशंसा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है प्रविशेषण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अक्षत का विलोम शब्द होता है नक्षत्र, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्णार्जुन में कौन सा समास होगा? कृष्णार्जुन में कौन सा समास होगा? तो कृष्णार्जुन यानी कृष्णा अलग है और अर्जुन अलग है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी निकम्मा अर्कमक दुष्कर। जो काम ना करना चाहे, जो काम ना करना चाहे इसको बोलते हैं अर्कमक के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है गाइस? भवानी प्रसाद मिश्र महादेवी वर्मा अज्ञेय मुक्तिबोध। सो गाइस यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत करुण हास्य वीर। तो देखिए शोक जो है गाइस ये करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण योगिक योग ऋण इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द जो हैं गाइस ये योगी कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद शिवानी
मंगलेश डबराल नागार्जुन, मंगलेश डबराल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमधन आलय, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए, अति, ऑप्शन ए करेक्ट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? ये हो जाएगा सरल वाक्य, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए।